हेलो भाई, मैं हूँ सक्षम। तो आज हम आ गए हैं भाई अपनी मारुति सुजुकी अर्टिगा में। अब भाई जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता है यार, इस गाड़ी की वीडियो मैंने पहले डाली थी। कैसे पता है भाई? क्योंकि ये जो ब्राउन इंटीरियर हो रखा है, जो वुडन लुक आ रखी है, मैंने बताया था कि भाई अपने बाहर से सारा काम कराया है। तो भाई आज हम आ गए हैं इसी गाड़ी में, आज इसको चला के देखते हैं फाइनली भाई कैसी चलती है सीएनजी में, और स्विच करेंगे भाई इसको पेट्रोल में, डिफरेंस देखेंगे कितना आता है। सस्पेंशन थोड़ी सी देखते हैं भाई कैसी रहती है उबड़ खाबड़ सड़कों पर, बंपी रोड्स पर, और देखते हैं भाई कि ब्रेकिंग कैसी रहती है। शुरू करते हैं भाई वीडियो। सबसे पहले यार मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेता हूं। करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। सीट बेल्ट जरूर पहना करो भाई, सीट बेल्ट पहननी बहुत जरूरी है। गाड़ी भाई अपनी हो चुकी है स्टार्ट। फर्स्ट गियर डालते हैं। यार एसी थोड़ा सा चला लेता हूं, एक पे कर लेता हूं। गर्मी आज ज्यादा हो रही है, वरना भाई मैं चलाता नहीं, क्योंकि आप लोगों के फिर मेरे को डीएम और कमेंट आते हैं कि भाई आवाज आ रही है हवा की। अरे भाई बहुत ज्यादा ही आवाज आ रही है। चलो कोई नहीं, करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चला के देखते हैं। अभी फिलहाल अगर मैं आपको दिखा दूं तो भाई यहां पे एमआईडी में शो हो रहा है कि सीएनजी में गाड़ी है, तो पहले गियर में मेरी गाड़ी। दूसरा गियर डालता हूँ, 20 की स्पीड रखता हूँ, फिर एकदम से पंजा दबाऊंगा। भाई दूसरा गियर है, 20 की स्पीड है, पंजा पूरा मैंने दबा दिया, देखते हैं कैसे उठती है। भाई साहब, भाई मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इस साइज से मेरे को ये परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब कोई, मैं क्या बताऊं यार, आप लोग फिर देखना, आप एक बार ना तब समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत लंबी गाड़ी है भाई ये, उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस, वो भी सीएनजी पे, एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। और आफ्टर मार्केट कैमरा भी भाई ने लगाया था और स्क्रीन लगाई थी, तो उसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो ऐसी कोई भाई लगती है। फटाफट से भाई गाड़ी को मोड़ता हूं, आपको वापस से दिखाता हूं मैं कहना क्या चाहता भाई। लेकिन बात कर लेना अगर इस गाड़ी की गियर शिफ्टिंग की, वो बहुत प्यारी है भाई, इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग है। मारुति के गियर बॉक्स मतलब इतने मजेदार होते हैं सीएनजी पे होने के बाद ना भाई। इसका जो क्लच है अल्ट्रा लाइट क्लच है भाई, मतलब पता भी नहीं चल रहा है मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। देखो फील नहीं कर पाओगे, लेकिन भाई अल्ट्रा लाइट इसका क्लच है। गियर शिफ्टिंग दिखाऊं तो ये देखना, थर्ड गियर पे मेरी गाड़ी है, ये देखना, ये देखो भाई, मतलब बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा गियर चेंज करते, और इतना मजेदार है। कई बारी तो आप यार बैठे बैठे ऐसी गियर चेंज कर दोगे, क्योंकि भाई स्मूथ इतना है। ये देखो यार कैसे जा रहा है, रिवर्स मारना है, ये देखो क्या बात है, रिवर्स मारना है। एक बारी में लगता है कोई लैग नहीं है, कोई अटकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गियर में। भाई मारुति बहुत अच्छी है यार, मारुति के गियर मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, गियर बॉक्स इनका बहुत अच्छा होता है भाई। मिल गया है भाई अपने को खाली स्ट्रेच। वापस से मैं दूसरे गियर पे करता हूँ, 20 की स्पीड लाता हूँ, उसके बाद एकदम से 20 की स्पीड है भाई, दूसरा गियर है पूरा भाई, मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ, एकदम से पूरा पंजा दबाता हूँ, देखते हैं कैसे उठती है गाड़ी। भाई अच्छा खासा बूस्ट है, मतलब मैं कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाई सीएनजी की वजह से गाड़ी उठ नहीं रही है या ऐसा कुछ है, अच्छा खासा बूस्ट है। ब्रेक भाई बहुत वीक, बहुत बहुत वीक ब्रेकिंग भाई, यार भाई यही दिक्कत है भाई मारुति से ना मेरे को थोड़ी सी भाई, कि कॉन्फिडेंस एकदम से ऐसे लूज कर देती है भाई। हाई स्पीड्स पे तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि ब्रेक लगी नहीं रही है, और अगर तेज मार दूंगा तो पूरी स्किट हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि हल्की इतनी है यार, बिल्ड क्वालिटी ऐसा फील होता है कुछ है ही नहीं। तो कई बार ऐसे डर सा लग जाता है कि भाई ब्रेक मारी तो कहीं स्किट ना खा जाए, और ब्रेक है इतनी हल्की कि नॉर्मली दबाओगे तो दबेगी नहीं, पूरा आपको जान से दबानी पड़ेगी, पूरा पंजा दबाना पड़ेगा तभी जाएगी। चलो कोई नहीं भाई, करते हैं वापस से इसको एक बारी ना पेट्रोल पे, अब करते हैं। देखो यहाँ जैसी मैं दबाऊंगा तो इधर ये पेट्रोल आ जाएगा, अब इसको देखते हैं भाई वापस से ना, मैं इसको एक बारी 20 पे ले आता हूँ। व्हील स्पिन मार रही है भाई, वापस से दिखाऊं आपको, व्हील स्पिन मार रही है भाई गाड़ी, क्या बात है, मेरे को ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है भाई। पेट्रोल पे करते ही सुनाई दे रहा है भाई आपको, व्हील स्पिन गाड़ी मार रही है। अब यार मैं ज्यादा करूंगा नहीं ये चीज, लेकिन अगर आपको दिखाऊं तो बहुत पावर है भाई इस गाड़ी में, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था भाई मारुति अर्टिगा में। 20 पे भाई आ गई है, वापस से पंजा दबाते हैं, स्पीड देखते हैं गाड़ी कैसे उठती है। तो बिल्कुल भाई फर्क तो अपने को देखने को मिलता है पेट्रोल सीएनजी में, जमीन आसमान का तो खैर क्या है, लेकिन हाँ भाई एक ऑब्जर्व हो जाएगा आपको कि अब गाड़ी दब रही है जैसे। यार मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, चलो एक बात करते हैं, एक भाई ना वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मेरे कहने का मतलब है कि जैसे दूसरी गाड़ियां होती है ना सीएनजी पे दबती हैं और पेट्रोल पे उठती है, तो ये ऐसी नहीं लगती कि दब गई है, मतलब पेट्रोल पे भी सही चल रही है, सीएनजी पे भी सही चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा दब रही है। लेकिन भाई पेट्रोल पे ना ऐसा लग रहा है कि कोई बूस्ट डाल दिया गाड़ी में कि परफॉर्मेंस और अच्छी दे रही है, दबी हुई तो सीएनजी पे भी नहीं फील होती। देखो वापस से पेट्रोल पे हम, देखो पिकअप तो भाई पेट्रोल पे जबरदस्त है, और एक बार ही ना सीएनजी पे स्विच कर देता हूँ, सीएनजी पे चलती हुई स्विच कराए आवाज अच्छा। देखो इंसुलेशन की थोड़ी सी कमी आती है सीएनजी पे, सीएनजी में करते ही इंजन जो है ना इसका शोर ज्यादा करने लग जाता है, तो भाई ये बात है कि शोर थोड़ा सा ज्यादा करता है और पावर कम देता है, दबी हुई नहीं फील होती। अगर आप सोच रहे हो कि अर्टिगा लोगे और दबी हुई फील होगी सीएनजी में, वो चीज नहीं है भाई, दबी हुई बिल्कुल भी नहीं फील होती, अपना नॉर्मल चलती है, नहीं लगता कि यहाँ कोई पावर लॉस है कुछ। अगर आप सीएनजी में चला रहे हो, आपको कोई ना बताए कि आप पेट्रोल पे हो सीएनजी पे हो, आप नहीं भाई डिफरेंशिएट कर पाओगे। पावर लॉस तो बिल्कुल है, लेकिन वो तब है जब आप भाई डिफरेंशिएट करना चाहो खुद, अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे भाई तो नहीं पता लगेगा। मतलब इतनी परफेक्ट ट्यून्ड अप की हुई है मारुति ने इसकी सीएनजी। बात करते हैं अगर भाई बम्प्स वगैरह की, तो सॉफ्ट सस्पेंशन है, ज्यादा झटके अंदर आते नहीं है,
तो इसमें भी भाई मेरे को ओवरऑल कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगेन भाई जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है भाई इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग की भाई मेरे को मारुति है शुरू की से ही शिकायत रही है, और इस गाड़ी में भाई वो कंटिन्यू होती है। ब्रेकिंग मेरे को मारुति की बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो ये थी भाई एक छोटी सी ड्राइव इस मारुति सुजुकी VXi CNG की, अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। ब्रेकिंग मेरे को भाई थोड़ी सी कम लगी है, पिकअप में मेरे को पेट्रोल में या CNG में किसी में भी कोई इशू नहीं लगा है, दबी हुई गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती है। सस्पेंशन की बात करें तो सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो नॉर्मल तो भाई इन गड्ढों पे कोई दिक्कत नहीं आती है। हाई स्पीड्स पे यार मैंने अभी चला के देखी नहीं, तो उसके बारे में मैं कोई भी अपना रिव्यू दूंगा नहीं। तो यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच भाइयों, ऐसी आते रहना, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू भाइयों, बाय बाय।